फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। एजाज खान और पवित्रा पूनिया की लव स्टोरी सिर्फ घर तक ही सीमित रही या घर से बाहर आने के बाद भी इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी, ये जानने के लिए पविजाज, जो कि इनको एक हैशटैग दिया गया है, यानी कि पवित्रा और एजाज के फैंस बेताब हैं। और लीजिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पवित्रा पूनिया ने एजाज खान के भाई से मुलाकात की है और अपने इश्क के बारे में बताया है, और साथ ही साथ एजाज खान के परिवार से मिलकर पवित्रा पूनिया शादी को लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ये पवित्रा और एजाज के फैंस के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। एजाज खान ने भी एक इंटरव्यू में पवित्रा को लेकर कहा, पवित्रा वो अकेली महिला है जिनसे मैं खुलकर किसी भी तरीके की कोई भी बात कर सकता हूं, उनके साथ वक्त बिता सकता हूं, और ऐसा मैं अपनी खुशी से कर रहा हूं। मैं अपने पिता और भाई से मिला हूं और वो मेरे फैसले से खुश है। मेरे भाई ने पवित्रा से मुलाकात की है और मेरे परिवार के कुछ और सदस्य उससे मिलेंगे। पवित्रा भी मेरे परिवार से मिलना चाहती है और मेरा परिवार भी उत्साहित है। वो जानना चाहते हैं कि कौन है वो जो मेरा ख्याल रख रही है। मैं भी चाहता हूं कि मेरा परिवार पवित्रा से मिले। आपको बता दें, एजाज खान यूं तो बिग बॉस 14 के दावेदार माने जा रहे थे। माना ये जा रहा था कि बिग बॉस की ट्रॉफी एजाज खान लेकर जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके वर्क कमिटमेंट्स थे और उनको पूरा करने के लिए एजाज खान ने खुशी खुशी घर से बाहर आने का रास्ता चुना। फिलहाल सिटी ऑफ लाइट्स 2 में एजाज खान नजर आएंगे और इसकी शूटिंग उन्होंने शुरू कर दी है और इसीलिए वो बिग बॉस के घर से बाहर आए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहा जाता है ना, बिग बॉस का घर अच्छे अच्छों की किस्मत पलट देता है, तो कुछ ऐसा ही एजाज के साथ हो रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिग बॉस में बहुत जबरदस्त उनको नाम मिला। हालांकि अच्छे एक्टर रहे हैं लेकिन कुछ दिनों से गायब थे, तो वो उन्होंने कवर अप किया बिग बॉस में। फिर घर से बाहर निकले तो प्यार भी मिल गया और वर्क प्रोजेक्ट्स तो उनके पास है ही। आप बताइए, पवित्रा और एजाज की लव स्टोरी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं।